अल्लाह एवरीवान हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद अनर लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन टेंटी फोर क्लास नाइन्थ जिसमें मैं यूनिट नंबर सिक्स सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ सो so, हमने जब सॉल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें हमने बहुत सारे सॉल्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी हैं हमने सबसे पहले पता चला कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आते हैं जो मिल के सोल्यूशन को बनाते हैं उसके अलावा हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज को स्टडी किया है कि जब आप एक सोल्यूशन को स्टडी करते हैं आप किस तरह से किस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द गिवन अमाउंट या फिर आप किस तरह से उसमें सोल्यूट और सोलवेंट की परसेंटेज या उनके अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाउ द सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड कौन कौन से फैक्टर्स uh, होंगे जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ़ टेम्परीचर कि अगर टेम्परीचर इंक्रीज़ होगा तो किस तरह के सोल्यूशन जो हैं उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और किस तरह के सोल्यूशन उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो किस तरह के सोल्यूशन की सोलबिलिटी इंक्रीज़ होगी और किस तरह के सोल्यूशन की सोलबिलिटी uh, डिक्रीज़ हो जाती है और इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत माइन्यूट चेंजेस से वो रिस्पॉन्ड करते हैं सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। इसमें हमने ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है कि वॉट इज़ अ सोल्यूशन वाट इज़ अ सस्पेंशन एंड वॉट इज़ कोलोइट सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन हम तीनों को कम्पेयर करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को कम्पेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बारी बारी इनके बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन कि सोल्यूशन होता क्या है सो so, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था और बार बार ये बात रिपीट होती आई है कि सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर्स होमोजीनियस मीन्स सेम एंड मिक्सचर मीन्स वैन टू और मोर थिंगस आर मिक्स टूगैदर सो जब आप दो किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिसमें सोल्यूट और सॉलवेंट आ जाते हैं आप इनको आपस में मिक्स करते हैं तो दे मिक्स टूगैदर एंड दे मिक्स कम्प्लीटली और उसकी वजह से जो सोल्यूशन बनता है इट शुड भी होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस ऐसा कि तमाम मोलिक्यूल सोल्यूट के तमाम मोलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, रैंडमली सारे प्लेस हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन के एक पार्ट पे सोल्यूट के अमाउंट ज़्यादा दिख रही है दूसरे पार्ट पर सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा दिख रही है दे बोथ ऑफ देम शुड गेट डिजॉल्व विद ईच अदर होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए दिखने में विजिबिलिटी में थ्रू आउट दिक्स सोल्यूशन आपको सेम नजर आए तो देट इज़ अ सोल्यूशन एंड सोल्यूशन के अंदर जो कॉम्पोनेंट मिक्स होते हैं uh, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर चूँकि सोल्यूशन के अंदर सिर्फ जो है डिफरेंट कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर यह सिर्फ़ एक फ़िज़िकल चेंज है यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया केमिकल चेंज मतलब जहाँ पर दो मोलिक्यूल मिले आपस में और इन्होंने नया एक मोलिक्यूल बना दिया कोई नया कम्पाउंड बन जाए ऐसा सोल्यूशन में नहीं होता सो दूसरी सिचुएशन में जब नया कंपाउंड बनता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है उस सूरत हाल में जो कंपाउंड होगा उसकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट्स जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती उसकी अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होंगी तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें चूँकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है ये मिक्सचर है जिसके अंदर सिर्फ मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट नहीं हुआ कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना जस्ट एक मिक्सचर है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी देयर कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी तो जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही आपको सॉल्यूशन में भी देखने को मिलेंगी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सोल्यूशन की क्या है वैन यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर वेन्यूपोटा टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर वेन्यूपोटा टेबल स्पून ऑफ शुगर इन वाटर ये सारी थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि सोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं जब आप वाटर के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो द ड्रॉप ऑफ इंक एंड द वाटर द मिक्स कम्प्लीटली विद ईच अदर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम कलर आ जाएगा वाटर के अंदर तो दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर वो एक सोल्यूशन कहलाएगा इसी तरह अगर सेकेंड एग्जाम्पल लें आप वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो थ्रू आउट द सोल्यूशन आपको सेम नज़र आएगा मिक्सचर आपको सॉल्ट के पार्टिकल सेपरेट नज़र नहीं आएंगे वाटर के मोलिक्यूल सेपरेट नज़र नहीं आएंगे आपको वो पूरा सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस ही नज़र आएगा उसकी प्रॉपर्टीज उसका टेस्ट भी सेम होगा तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन यानी कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कम्पलीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं इनके आपस में कोई भी सेपरेट uh, कलर uh, नहीं है सेपरेट अपियरेंस uh, नहीं है जो कि सोल्यूशन को होमोजेनियस ना रहने दें और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती हैं ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट आपने सोल्यूट किस तरह का यूज़ किया है आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया है तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उनके ऊपर उन सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर ही उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करेंगी यू आर यूजिंग ब्लू कलर इंक तो आप उसको एक ब्लू कलर की इंक का ड्रॉप वाटर में आप मिक्स करें तो आपको एक तो वाटर का अपेयरेंस है दूसरा ब्लू कलर इंक ब्लू अपीयरेंस जो है लाइट ब्लू कलर आपको सब पूरे सॉल्यूशन में नजर आएगा सो इट डिपेंडेड अपॉन द कलर ऑफ इंक वो उसकी अपनी कोई जो सॉल्यूशन बना था अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि उसके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा अगर आप ब्लू कलर इंक की जगह पे ग्रीन कलर या रेड कलर इंक यूज़ करेंगे उनके ड्रॉप्स यूज करेंगे वाटर के अंदर तो इंस्टेड ऑफ़ ब्लू कलर वो उस इंक के हिसाब से चेंज करेगा सॉल्यूशन उसका वैसा कलर होगा जिस तरह की इंक डाली गई है सो so, यहाँ पर सोल्यूशन डिपेंड करता है कि उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह के होंगे किस तरह के यूज़ होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ मिल के सोल्यूशन को उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सोल्यूशन को सेम वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि उसके सोल्यूट और सोलवेंट की थी सो दिस वॉज़ अबाउट सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होते हैं ना वी विल टॉक अबाउट कोल्लॉयड कि ये कोल्लॉड क्या होते हैं <coughs> तो वैन वी टॉक अबाउट क्लोइड दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू सो ये भी सोल्यूशन होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सोल्यूशन टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेट्स पर डिपेंड करते हैं एक है सोल्यूट और एक है सोलवेंट सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स होंगे सो वेन द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट आर लार्जर दैन दो द ट्रू सोल्यूशन Uh, but they are not much much larger to be seen by the naked eye. यानी कि आपका जो सोल्यूट है जो आप solvent पे मिक्स करने वाले हैं उसके molecules बिगर हैं इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल्स आई टोल्यू जैसे वाटर एंड सॉल्ट है या शुगर एंड सॉल्ट है उनसे ज़रा बिगर हैं सोल्यूट के मोलिक्यूल्स के साइज़ पर इतने भी बिग नहीं हैं कि आप नेकेड आई से विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट आप इनको देख सकें इनको ऑब्जर्व कर सकें दे आर लार्ज बट नाट लार्ज इनफ टू बी सीन बाई द नेकेड आई सो ऐसी सूरते में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जो बिगर इन साइज़ हैं ये दे डिज़ोल्व एंड दे डो नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम वो डिज़ोल्व होंगे जब आप सोल्यूट के बिगर पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो दे विल मिक्स विद ईच अदर दे फॉर्म अ सोल्यूशन पर चूँकि यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े हैं सो द रिमीन सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन वो सोल्यूशन के अंदर आपको कहीं पर भी, भी सेटल डाउन ऑल दर हैवियर बट दे डोन्ट सेटल डाउन दे आर प्रजेंट देट दे आर प्रजेंट विद इन दोल्यूशन सो यहाँ तक तो बात हो गई कि सोल्यूड के पार्टिकल्स को लॉइड के अंदर सेम वही सोल्यूशन जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किया है कि बस सोल्यूड के पार्टिकल्स बिगर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन के पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर यूज़ हुए हुए सोल्यूड के पार्टिकल्स सो so, यहाँ पर ये पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बिग नहीं हैं कि हम नेकर डायसे इनका इंडिविजुअल पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकें बट दे आर बिक इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट मीन्स अगर लाइट इसके अंदर से पास होती है तो वो उसकी बीम को स्कैटर कर देंगे उसकी पाथवे को डिस्टर्ब कर देंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े हैं सो लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम प्रॉपरली लाइट विल गेट ब्लॉक्ड लाइट विल गो फ्रॉम अदर वेज इट विल नॉट गो फ्राम द पाथवे इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो अपेयरेंस uh, है कोलॉयड के इट इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द सोल्यूशन सो ये जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइयड के जो दे आर बिग इनअ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट जो इतने बड़े हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दें उसको डिस्टर्ब कर दें इस इफेक्ट को जिसमें ये पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं जिसके अंदर द बीम ऑफ लाइट इज गेटिंग डिस्टर्ब बाई द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट सो वी कैन सी द पाथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट बीम इनसाइड द कोलाइडल सोल्यूशन इसके अंदर जो स्कैटरिंग होगी लाइट की हम वो ऑब्ज़र्व कर सकेंगे टेंडल इफेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज अगर नॉर्मल सोल्यूशन लें लाइक like वाटर एंड सॉल्ट अगर आप उनको आपस में मिक्स करते हैं उनके अंदर से टॉर्च लाइट को ऑन करके लाइट को पास करेंगे तो यू विल सी नो डिफरेंस बिटवी अ सिंपल वाटर एंड दिस वाटर सोल्ट सोल्यूशन बट इन द केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से लाइट की जो बीम है जो कि आप टॉर्च ऑन करके लाइट की बीम बीच में से पास ऑन करना चाहते हैं वो इतनी uh, मतलब दैट इज़ कैटर्ड बिकॉज ऑफ़ द बिग पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से लाइट प्रॉपर्ली पास ऑन नहीं हो पाएगी तो हमें टिंडल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है सो दिस इज़ द टिंडल इफेक्ट दैट सेपरेट्स द सोल्यूशन फ्राम द कोलाइड ये टिंडल इफेक्ट ही है जो सोल्यूशन को कोलाइड से सेपरेट करता है इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है इनको एक दूसरे से डिस्टिंगश करता है Hence, ये जो सोल्यूशन हैं दे आर कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन इस वजह से इन सोल्यूशन को हम फॉल्स सोल्यूशन या फिर कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं जबकि ये जो पहले सोल्यूशन डिस्कस किया है जिसके अंदर हमने वाटर एंड सॉल्ट की बात की इंक एंड वाटर की बात की है दैट इज़ ट्रू सोल्यूशन जबकि कोलाइडल सोल्यूशन हालांकि है ये भी सोल्यूशन इसके अंदर भी सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर बट क्योंकि इनका साइज़ बिगर है तो बिगर साइज होने की वजह से दिस स्कैटर द बीम ऑफ लाइट दे डिस्टर्ब द पाथवे ऑफ द बीम ऑफ लाइट सो बिकॉज ऑफ दैट इनको हम फॉल्स सोल्यूशन के नाम से जानते हैं या फिर कोलाइडल सोल्यूशन के नाम से जानते हैं सो एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके देखते हैं इफ़ यू मिट मिक्स सम स्टार्च पाउडर इन द वॉटर

इट इज़ ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन मिल्क इट इज़ ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन इंक जेली टूथपेस्ट ये सब जो हैं, है कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं यहाँ पे जितने भी ये सोल्यूट्स हैं उनके पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है जिसकी वजह से आ, लाइट जब बीम ऑफ लाइट इसके अंदर से स्कैटर करते हैं तो दे कैन नॉट पास थ्रू इट सो so, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं तो अब अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें सोल्यूशन और कोलाइट को, को वी कैन से देर इज़ आर टिंडल इफेक्ट इन द कोलाइडल सोल्यूशन वाइल देर इज़ नो टिंडल इफेक्ट इन द कोलाइडल इन द सिंपल सोल्यूशंस कोलाइडल सोल्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड एस फॉल्स सोल्यूशन वाइल दोल्यूशन दिस कैटेगरी दे आर कॉल्ड एस देर एग्जाम्पल्स आर द ट्रू सोल्यूशंस इसके अलावा कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट वायर इन द दोल्यूशन सोल्यूट के पार्टिकल्स आर नॉट बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें तो दोनों के अंदर जो सोल्यूशन बनता है इट मतलब दोनों के अंदर जो मिक्सचर बनेगा दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर आपको कोलाइडल में भी कहीं पे भी हिड्रोजीनिस नहीं मिलेगी आपको हर जगह आप देखेंगे वो होमोजीनियस है होमोजीनियस का मतलब है सोल्यूड के पार्टिकल्स कंप्लीटली सोलवेंट के अंदर डिजॉल्व हो गए हैं पर वो सॉल्यूशन जो है धुंधला हो जाएगा धुंधला इसलिए होगा बिकॉज उसके अंदर पार्टिकल्स इतने बड़े हैं सोल्यूट के कि वो लाइट को स्कैटर करेंगे बट ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होगा वो आपको होमोजीनियस फॉर्म में ही नज़र आएगा वो हीट्रोजीनियस नहीं होगा जहाँ पे आप सेपरेटली पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकें से कि दिस इज़ सोल्यूट दैट इज़ अ सॉल्वेंट सो दिस वॉज माई लेक्चर अबाउट द कंपेरिजन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कलॉयड सो आई होप कि आपको समझ आई हो सस्पेंशन uh, को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि आपको सोल्यूशन और कोलाइड और उनके कंपैरिजन की समझ आई हो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन टल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़